वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पान के ऊपर सिंदूर से आप कैसे स्वस्तिक ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक मिट्टी के पॉट में थोड़ा सा सिंदूर लिया है, उसके ऊपर मैंने 3-4 ड्रॉप तेल ऐड कर दी, अच्छे से मिला लेना है। मैं एक बड़ा पान के पत्ते के ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊँगी ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंदूर उंगली से इस तरह से पहले मिला देना है, बहुत ज़्यादा पतला और गाढ़ा नहीं होना चाहिए कंसिस्टेंसी। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे हम 5 ड्रॉ करते हैं तो 5 जैसे ड्रॉ करते ऐसे स्टार्ट करना है, बट 5 पूरा कंप्लीट हमें ड्रॉ नहीं करना है। लास्ट का जो लाइन रहता है, टेल है, उसे छोड़ देना है। इस तरह से 5 होने के बाद हमें एक एल ड्रॉ करना है। आप यहाँ से शुरू कीजिए एल और यहाँ पे इसे टच कर दीजिए, बीचों बीच टच कर दीजिए। अब हमें एक उल्टा एल ड्रॉ करना है, अभी हमने सीधा किया ना, उसका उल्टा एल ड्रॉ करना है इस तरह से। तो आप अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो कभी भी आप जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो और गलती नहीं होगा। कई बार क्या होता है, स्वस्तिक ड्रॉ करते समय लोग क्या करते हैं, 2 एस को इंटरसेक्शन करके बना देते हैं, बट वो गलत होता है। ये है सही तरीका स्वस्तिक ड्रॉ करने का। तो आप ये ट्रिक याद रखिए, कभी भी आप बना सकते हो, जैसे हनुमान जी को भी आप चढ़ा सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग।